मारना चाहते हो अपने मासूम बच्चे को? प्यार व्यार नहीं है क्या इस बच्चे से? अरे कैसी बात कर रहे हो, भला हम क्यों मारना चाहेंगे अपने बच्चे को? एक वायरस बड़ी तेजी से फैला था, उसके बारे में सुना था? अरे हाँ, वही वायरस जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी। चलो उस वायरस का तो जैसे तैसे वैक्सीन बनाकर इलाज मिल गया, लेकिन ये जो वायरस है ना, जो आपके बच्चे के दिमाग के अंदर घुस रहा है, इस वायरस का इलाज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पता नहीं आजकल के पेरेंट्स को क्या हो गया, जरा सा बच्चे ने परेशान किया कि ले बेटा फोन। अरे भाई बच्चे तो होते ही ऐसे ना, क्या पहले के बच्चे परेशान नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, लेकिन उस वक्त के माँ बाप बच्चे से खुद ये कहते थे कि बेटा जाओ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, गिल्ली डंडा, चोर पुलिस, छुपन छुपाई, कबड्डी, कुछ भी खेल लो। और ऐसे खेल से बच्चे तंदुरुस्त भी रहते थे और उनका खाना पीना भी अच्छा होता। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चे से खुद ये कहते हैं कि बाहर गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगे, टेबल पे फोन रखा है, गेम खेलने या टीवी देखने। बताओ यार, हद हो गई, बच्चों को फोन से दूर रखिए ना। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बच्चे की थोड़ी सी जिद की वजह से परेशान होकर उन्हें फोन थमा देते हैं, तो उसी वक्त ये सोच लीजिए कि आप खुद ही अपने बच्चे का बचपन छीन रहे हो, और साथ ही साथ वो काफी बीमारियों से इंपैक्ट भी होते जा रहे हैं, जैसे आंखों में जलन होना, खाना खाने में नखरा करना, बात बात पे चिड़चिड़ हो जाना बच्चे, कमजोरी महसूस करना, किताबों से दूर हो जाना, आलस आना, कम उम्र में ही सर में दर्द, चश्मा लग जाना। ये सब क्यों हो रहा है? इस जहरीले फोन की वजह से। कब समझोगे आप लोग? प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, बच्चों को फोन से दूर रखिए, मत छीनिए उनका बचपन। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो इस फोन से उन्हें दूर रखिए और उन्हें उनका असली बचपन जीने दीजिए। और इस वीडियो को शेयर कर दोस्त यार रिश्तेदार उन सब तक पहुंचाएं, ताकि उनके बच्चे भी इस वायरस से बच सके। थैंक यू।